फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी पीकॉक पेंटिंग, जो हम बनाएंगे स्प्रे पेंट्स और लीफ से। तो उसमें हमें पहली हमें मटेरियल्स चाहिएंगे। उसमें हमें वाइट शीट और लीव्स और स्टिक्स, फ्लावर और फ्लावर के बड्स और ईयरबड्स और वाटर कलर्स और स्प्रे पेंट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे अरेंज करते हैं पीकॉक की शेप पे। तो हमें पहले ऐसे वाला शेप का लीव्स लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और ये दूसरा वाला मोटा इसको ऐसे लगा दो, है ना। अब यहाँ पे छोटा सा लो ये वाला, अब यहाँ पे लगा दो, है ना। अब इसकी बीक लगाएंगे फेस के नीचे ऐसे, बन गई, है ना। तो अब हम बनाएंगे उसकी लेग्स। लेग्स कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे हैं ना जो, उनको ऐसे लगा दो ऐसे, है ना। अब इसके लेग्स भी बन चुके। तो अब मैं आपको बताऊंगी उसके फेदर्स कैसे बनाते हैं। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक बीच में ऐसे। अब उसके यहाँ पे जो होते हैं वो भी मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। छोटा वाला बीच में और बाकी सब उसके यहाँ पे, बन गया। तो अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, एक डंडी लगानी है। अब यहाँ पे दो फ्लावर्स के यहाँ पे ऐसे, है ना। अब ये फ्लावर है ना जो, वो उल्टा करके यहाँ पे लगा दो, हमारा बन चुका। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको स्प्रे पेंट कैसे करना है। तो हमें पहले ग्रीन कलर लेना है और सारे पेज में कर लेना है हल्का हल्का। तो अब मैंने इसको कलर कर दिया ग्रीन कलर। अब मैं इसके आसपास ब्लू कलर करूंगी। ब्लू कलर कर दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर तक हाफ एन आवर तक फैन के नीचे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ये अब सूख चुका है। तो अब मैं इसके लीव्स को धीरे धीरे उतारूंगी। मेरा हाफ बन चुका है जो उसके फेडर्स हैं। अब उसको थोड़ा थोड़ा कलर कर देंगे। तो हमें पहले ईयरबड लेना है और रेड कलर उसकी मोटी साइज ही लेना है, है ना। अब ये हमने लिया है, तो अब उसके नीचे नीचे ऐसे डंडी, तो हमारी ये वाली हो गई। और दूसरे वाले को हम कर देते हैं। मैंने उसके फेडर्स में रेड कलर कर दिया है। अब उसके बाहर की थोड़ी थोड़ी आउटलाइन में हम ब्लू कलर करेंगे। मैंने इसमें ब्लू कलर कर लिया है। अब मैं इसमें बार बार लाइट ग्रीन करूंगी।
मेरा ग्रीन भी फिनिश हो चुका है, अब जो जो रह गया है अब मैं उसको ब्राउन कलर से कंप्लीट कर दूंगी। हमारी पीकॉक पेंटिंग रेडी। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं हुई तो आप कोई भी अपना पुराना टूथब्रश लेकर उसमें वाटर कलर लगा के स्प्रिंकल भी कर सकते हो। तो इसी टाइप से हम लीज से अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।